चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, अभी 10 दिन पहले हमारी वार्ता हुई कृषि मंत्री जी, तो कृषि मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि MSP पर बहुत जल्दी कानून बना रहे हैं, हमारा कर्जा माफी के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत एक जो अब आ रही है, किसान की ज़रूरत में आने वाली जो चीज़ें हैं, खरपतवार है, जो किसान के काम जैसे भी कीटनाशक दवाई है, इन्होंने इसका भाव जो रेट था 480 रुपये था, उसके बाद में अब उसमें 1180 रुपये 1100 रुपये कर दिया एकदम 1289 रुपये। कौन सी दवाई, क्या नाम? ये कीटनाशक जो दवाई छिड़काव ग्लूफोसिनेट, ग्लूफोसिनेट एक दवाई है वो किसान को, जैसे धान है इसमें इसका इस्तेमाल। सर कैमरे को, तो आज सरकार को तो मैं यही कहूँगा कि 11 मई 11 आज 10 साल सरकार को हो गए, किसान का कोई भी काम इस सरकार ने ऐसा नहीं किया कि जो आपने देखा 13 महीने आंदोलन चला। उस आंदोलन में भी इन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये 3 कानूनों को वापस लिया था तो ये कहा था कि MSP है, MSP रहेगी। आज मेरे ख्याल में 3 साल हो गए ना MSP है ना उसके कानून बन रहा है, और उसके लिए पूरे देश किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं, और हमें कुछ उम्मीद लगी जो कृषि मंत्री जी हैं इनसे उम्मीद लगी कि अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि किसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और इसको हम बहुत जल्दी किसान का कानून बनाएंगे। और हमारी जो डिमांड है किसान की ज़रूरत में आने वाली चीज़ उस पर किसान को सब्सिडी मिले। बिजली का जो मुद्दा है, आज जब चुनाव होता है तो जो भी राजनेता, मैं नहीं कह रहा ये पार्टी है या वो पार्टी है, सभी लोग किसानों को जा कर के प्रलोभन देते हैं कि कर्जा माफ़ हो जाएगा, किसान का बिजली फ्री हो जाएगी। किसान इतना भोला है कि बिजली का बिल नहीं भरा उसका 4 गुना देना पड़ता है, कर्जा नहीं भरा उसका ब्याज लग कर के वो 10 गुना और फर्ज देना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक सरकार ने कभी किसान के बारे में सोची नहीं। जब तक किसान के नेता थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जैसे, तो किसान से डरती थी सरकार। आज सरकार पूंजीपति हावी है और सरकार आज कोई भी काम किसान का नहीं कर रही। देखिए MSP का कानून ये सरकार बनाएगी, भारत सरकार, और कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून बनेगा नंबर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक चीज़ क्यों नहीं है, अब जो ये चल रहा है सेशन, प्रधानमंत्री जी एक बार कहें इस पर MSP का कानून बनेगा नंबर एक, कर्जा माफ़ी की बात करते हैं, कर्जा माफ़ी क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हरियाणा में चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, हरियाणा में 2 महीने बाद चुनाव है, वोटों को लूटने के लिए ये एक जुमला है। और ये सारे जुमले साबित हुए हैं, कोई भी आज तक हर चीज़ में जुमला साबित हो रहा है। करवाइए माँ, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम तो किसान की रहनुमाई में किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना ना भाजपा से कोई लेना देना, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है और हमें उम्मीद है कि विपक्ष हमारा साथ दे तो हम विपक्ष के साथ खड़े होकर किसान। हरियाणा में तो आज कह के जा रहा हूँ मैं, हरियाणा में तो गई भाजपा खत्म, हरियाणा में तो जो भी सरकार आएगी किसान के हित की बात करेगी वही सरकार आएगी। आपने बोला कि आप 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे, हाँ 2 अक्टूबर को 20 साल से कंटिन्यू लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर बहुत बड़ी रैली होती है किसानों की, और उसी 2 अक्टूबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, कम से कम हर स्टेट से यहाँ 50,000 किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ से पैदल चल के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, ये हमने तय कर। अभी आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया ना, एक महीने के बिहार पे अगर वो चीज़ें मांगी जाती तो ठीक है, ना मांगी जाए तब वो बात नहीं, अगर सरकार मानती है तो हम सरकार का भी समर्थन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि कृषि मंत्री, हमें लगा बातों से कि ये अच्छा इंसान है,
विपक्ष के साथ आज कुछ किसान संगठन मिल रहे हैं शाम को, तो आपके आप भी जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष के साथ तो सभी संगठन जितने भी ये आंदोलन चला था सभी लोग विपक्ष से ही मिलेंगे। हम तो सरकार से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अभी बुलाओ, और जो ये अपने MSP के लिए बैठ करके, और ये आप भी जानते हैं कि जो हल निकलेगा टेबल पे ही निकलेगा, आंदोलन से आज तक कोई हल नहीं निकला। 750 किसान शहीद हुए और आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ उम्मीद है, अच्छा इंसान कोई आए और सरकार को भगवान सुखबुद्धि दे और इस किसान की तरफ भी देख ले। थैंक यू सर। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो संगठन थे, मेरे ख्याल में 30-35 संगठन थे जब आंदोलन शुरू हुआ, जो ऐसे भी संगठन हैं जो सरकारों से मिले हुए हैं।